अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बोरिंग कंटेनर को हम बना सकते हैं एक ब्यूटीफुल कंटेनर, तो आप मान लोगे? तो सबसे पहले इस कंटेनर पर एक लेयर लगानी होगी, वो है टिश्यू पेपर की। हैवी कॉल की हेल्प से मैंने टिश्यू पेपर का लेयर लगा दिया है, देन इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। एंड तब तक हम हैंडमेड क्ले रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बॉल पुट्टी, थोड़ा सा पानी एंड कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स करते जाना है, एंड तब तक मिक्स करना जब तक कि एक प्यारा सा डो रेडी नहीं हो जाता। सो हमारी क्ले रेडी है, अभी चलिए फटाफट से कंटेनर पर इसे अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट होता है। अभी मैंने इसे कंटेनर पर लगाना स्टार्ट कर दिया है, एंड गाइस इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसे बहुत ही इजीली टेक्सचर दे सकते हो। तो सारे कंटेनर पर मैंने क्ले को अप्लाई कर दिया है, देन टेक्सचर देने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। देन गाइस अगर आपको समझ आ रहा है कि मैं बना कह रही हूँ तो फटाफट से कमेंट में बताओ। एंड अभी कंटेनर पर ब्रश की हेल्प से डिटेलिंग देना स्टार्ट करेंगे। डिटेलिंग हो जाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। देन एक बायर लेना है और कुछ बीज लेने हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक एज ए दाल रेडी करेंगे, जिसे मैं यहाँ पर कंटेनर के गैप में लगा दूंगी और इस तरह से इसे क्ले से कवर कर देंगे। देन इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे लगा था कि बॉल पुट्टी बहुत ज़्यादा पुराना है, काम करेगा या नहीं, तो मैंने ऊपर के हिस्से में मैंने यहाँ पर एक फेविकॉल का कोट अप्लाई कर दिया था, जिससे थोड़े थोड़े क्रैक आ गए थे। देन इसे फिर से ड्राई निकली रखा, फिर से इस पे बॉल पुट्टी मैंने कवर किया और मैंने जस्सो अप्लाई कर दिया, तो ये पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो गया था। सो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। देन यहाँ पर अभी कलर कर रही हूँ, तो मैंने रेड कलर नीचे वाले हिस्से में कर देंगे, ऊपर वाले हिस्से में ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी। तो फटाफट से फिर से इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे, एंड लास्ट में वार्निश करना मत भूलना। एंड गाइस इसका रिजल्ट बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल हैंडमेड क्ले में और मार्केट वाले क्ले में कोई फर्क नहीं है। सो आप भी इसे ट्राई जरूर से करना। एंड इट्स डन। इस DIY में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन रिजल्ट उतना ही बेहतरीन था, तो मेरा तो दिल खुश हो गया। आप खुश हो या नहीं कमेंट बताना। एंड गाइस यहाँ तक पहुँच गए हो तो दिल से थैंक यू। सो अगर आपको मेरी वीडियोस आइडियाज पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन मिलते हैं ऐसे यूनिक एंड अमेजिंग आइडिया के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।